नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे केएम न्यूज टीवी चैनल में। आज हम आए हैं बलसाड़ के रेलवे स्टेशन पे, जहां आज कोरोना वायरस की वजह से यहां आने जाने वाली ट्रेन में से उतरने वाले और जाने वाले सभी यात्रियों का यहां टेम्परेचर मशीन द्वारा चेक किया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते आज बलसाड़ रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सुरक्षा बरती गई है। आज आने वाले सभी यात्रियों का यहाँ टेम्परेचर मशीन द्वारा चेक किया जा रहा है और इनमें से तीन लोगों का टेम्परेचर 100 से ऊपर आया है, तो उन तीनों लोगों को स्टेशन कर्मचारी द्वारा 108 एम्बुलेंस बुलाकर उनको बलसाड़ की सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां तीन में से दो जन को वहां चेक करके वापस भेज दिया गया है। और आज बलसाड़ के रेलवे स्टेशन पे सभी आने जाने वाले यात्रियों को मशीन द्वारा चेक किया जा रहा है और काफ़ी सुरक्षा बरती गई है। तो आप भी आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें, कोरोना वायरस से डरिए मत, बस सावधानी बरते। आपका नाम? उपकरण CBSE कोरियर से। आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क क्यों नहीं पहनते? हम साग भाजी का धंधा करते हैं, हमारे से अलग अलग आदमी आते हैं, तो उसका मास्क तो हमको पहले ही लग जाता है। क्या ऐसा थोड़ी है, आपको सब्जी बेचते हैं, आपके पास कितने लोग आते हैं, तो आपको तो पहले पहनना चाहिए ना, आप क्यों नहीं मास्क पहनते? नहीं, मेरे को शराब की आदत, मेरे को बीमारी है। कौन सी बीमारी है? खेच आ जाती है, खेच नहीं। तो मास्क से इसका क्या मतलब है? देख, अभी मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो खेच का मतलब क्या, वो फेफड़ो नहीं बोली, फेफड़ो फेफड़ो वो आ जाता है मेरे को। तो मेरे को दारू पिएगा तो फेफड़ो नहीं आएगा। थोड़ा शराब की चीज़ है, ठंडा करता हूँ। हम तो इससे बीमारी कहाँ से आई? चीन से आई है, मेरे को मालूम है। चीन से आई है, लेकिन हमारे देश में भी आई है। जब सब लोग सुरक्षा बरत रहे, तो आप क्यों नहीं मास्क पहनते? मास्क मेरे को कल दिया था टावर पे, और टावर पे मैं बेच के जा रहा था ना, तो रिश्ता वाले रुका, उसने जो मास्क दिया था, तो मैं मेरे बच्चों को पहना दिया। मेरा बहन की लड़की है ना, उसको 10 रुपया दिया और उसको मतलब आप मास्क पहनो, अगर मेरे को चल जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो चलेगा। रेलवे स्टेशन पे आज सुबह से रेलवे कर्मचारी द्वारा टेम्परेचर चार्ज किया, जहाँ आज तीन केस सामने आए, उनको कोरोना वायरस है अभी तक 24 घंटे के बाद पता चलेगा, लेकिन उनका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा आया है, तो उनको यहाँ की 108 में यहाँ की सिविल हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो हम उनका पता अभी 24 घंटे के बाद पता चलेगा। और यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ कम हो गई, यहाँ यात्री जो सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में, उनका भी आना जाना कम हो गया है। तो लोगों से यही अपील है हमारी तरफ के कोरोना वायरस से डरिए मत, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल, कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे के साथ मैं रीता पटेल, गुजरात बलसाड़ से।